बथा भी हूँ देखी बात है हॉस्पिटल प्रॉपर्टी रे पूरा। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम कर माय न्यू ब्लॉग बर्तमान साढ़े दसटा हेला आज साढ़े दसटा ब्लॉग स्टार्टिंग कारण आज जाए काम को जेहेतु मोटे देह खराब अच्छी सीधा बथा भी हूँ एवं जस्ट नास्ता करी कदमी उपमा बाहरी मेडिकल टे जबार अच्छी वीडियो लास्ट देखूँ मेडिकल जी डॉक्टर कौन 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 आपण मैं सेयार करी बर्तमान एवं बाहर मेडिकल बस रे जा पड़ो बहुत बाट जीवार अच्छी जेहेतु पाउडर काम हो कंपानी से प्रॉब्लम हो मैंने डस्ट फस्ट जाए आधार बता भल लगलानी जेहेतु डॉक्टर टे न देखला हेनी तो चलतु अभी बस स्टाण जापर बस रे बसिक मेडिकल जीवा देख पारे बर्तमान मुझे बस स्टाण बस को वेट कर बस स्टाण मुझे रोच सांग मैंने फाइनाल बस रू ले जस्ट एवं चलिकी जा हस्पिटाल आगू टे पड़ो हस्पिटाल ये जगार ना हूँ पट्टीमटम ये मुझे आगु आसी मेडिकल को गाँव पिलार आसती चल तो मेडिकल जाए बाट चलिकी जा पड़ो देखी पार्थे हस्पिटाल गवर्नमेंट हस्पिटाल बहुत सारा गाड़ी भी अच्छी पेशेंट भी अच्छा सांग मैंने बर्तमान एवं डॉक्टर सह देखा करी मेडिसिन भी लिखिदे मतलब बहुत डर लगुला जेहेतु छाती पेन एवं चलते रूम को जीपा एवं बस अच्छे कि नहीं रूम को गले कह कौन कौन कहले डॉक्टर सर कौन मो सहित मान घटा बर्तमान रेस्टोरेंट बस खरा पवल बाहर बस तो आसीना से जूस गोटे पाइनापल जूस गोटे मगे मैंने अर्डर दे भाई मैंने तैयारी कर देखे मोर पाइनापल जूस पल आसी भाई देख गले सांग मैंने फाइनाली मो रूम को पलि आसी रूम जेहेतु पे शो डिस्टर्ब न कर उपर को आ गए कबाड़ साइड रे मोबाइल रखी देखो ये टैबलेट दे बाद मुझे फास्ट गली मो ना लिखा गोटे दीदीटे ना लिखिले आ जो पचारे सुशांत बोली कह जापारे मुझे कहली सुशांत सिंह मुवीर ना कहली ना तथा तो जापारे आईडेंट कार्ड दे आधार कार्ड दे लिखले डॉक्टर पाक जो मैडम नहीं गले डॉक्टर इसी ना पीसी गोटे मानने ये सब लगे मो देह जंत्र जंत्र लगे पूरा देखाला आईटा तार रिसीप्टा बाहर से जंत्र जो लगेगला प्रॉपर्टी पूरा लंबा बाहर यहाँ डॉक्टर पाक नहीं गली
ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ଲେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟାବଲେଟ୍ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆରାମସେ ଖାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ପ୍ରେସର ହେଉଛି କାମ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କ'ଣ ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବଥା ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ। 6-7 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା 2 ଦିନ କେତେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ତା'ପରେ କାମକୁ ଯିବା। ଏମିତି କିଛି ଆଜି ହେଲା। ଆଉ ପଇସା ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ମାନେ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ 150 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କର କହିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଦେବି ନାଇଁ, ଲାଷ୍ଟରେ ନାଇଁ ଆଗ ଡିପୋଜିଟ୍ କର, ତା'ପରେ ଯାଇକି କରାହେବ କହିଲେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ କରିଦେଲି, ତା'ପରେ ସେଇଟା ହେଲା। ତା'ପରେ ଟାବଲେଟ୍ ଏଇଟା 250 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ, 400 ଟଙ୍କା ମେଡ଼ିସିନ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା ଯାହା, ଆଉ ଆଜି ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଗାଧା ଫାଧା କରିବା, ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବି ପଇସା ନଥିଲା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜୁସ୍ ଗୋଟେ ପିଇଲି। ଜୁସ୍ ପିଇକି ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 20 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ କଲି, ସେଇଠୁ ମାଗିକି ବସ୍ ଭଡ଼ା କରିକି ଆଣି। କାରଣ ମୋ ATM ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ପଇସା ଉଠେଇ ହେଉନି, ଯାହା ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ହିଁ କରିହେଉଛି, ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ପଳେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆସିଲେ ଏବେ ଗାଧା ପାଧା କରି କ'ଣ, ଆଜି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାନା ହେଇଛି, ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଯିବି, ଆଉ ବାଟ ଯିବାର ନାହିଁ, ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧା ପାଧା କରିବା, ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ରଖିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଏଇଟା ଟୋକନ ନମ୍ବରଟା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଗରମ ବି ଲାଗୁଛି।